खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्शन में कंफ्यूज हो गए हैं या फिर वो किसी के दबाव में अपने ही फैसले को बदल रहे हैं, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी अब तक आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के बदलने की चर्चा भी चल रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे किसी ने मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। पार्टी ने हमें सिंबल दिया, हमारे लिए लेटर भेजा, माननीय अध्यक्ष जी ने जो है पूरी टीम भेजी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सबसे तेज प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं उन सीटों पर जहां बात या तो परिवार की है या फिर दबाव की, क्योंकि पहले रामपुर और मुरादाबाद में उन्होंने नामांकन के बाद प्रत्याशी बदल दिए तो कई सीटों पर अब भी प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या टिकट बांटने में अखिलेश ने जल्दबाजी कर दी, क्या बिना मंथन के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी को अखिलेश समझ नहीं पाए, क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद के बाद मेरठ में भी मौजूदा प्रत्याशी का विरोध होने लगा है। ऐसे में मेरठ में भी उम्मीदवार बदले जाने की अटकलें हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के अंदर मची घमासान को देखकर साफ तौर से नजर आता है कि समाजवादी पार्टी खुद समाजवादी पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी से दो दो लोगों ने नामांकन किया है। बात अभी साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर वहां से असली प्रत्याशी कौन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के सामने इंडिया अपना मजबूत दमखम दिखाने की बात कहती है। समाजवादी पार्टी अब तक आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है। मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट मिला। रामपुर में आसिम रजा की जगह नदवी को टिकट मिला। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट मिला। बिजनौर में यशवीर सिंह धोबी की जगह दीपक सैनी को टिकट मिला। इसके अलावा भी कई सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी की घोषणा के बाद चेहरे बदल दिए, जिसका खामियाजा 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पे प्रचार करूँगा। नहीं, मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो लोग इस बात को लेके बात कर रहे हैं कि टिकट किसका है। सब टिकट चाहते हैं, पार्टी में लोकतंत्र है। सब बहुत से लोगों ने देखी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था, टिकट किसी एक का ही होगा, दूसरे को पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनका करेगी आने वाले समय में। तो पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि टिकट दे दिया वापस कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने पत्र लिख दिया। समाजवादी पार्टी में तो इस बात का झगड़ा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अब तक आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदल चुके हैं तो कन्नौज में अब तक मामला फंसा है, क्योंकि पहले खबर आई कि यहां अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव के नामों की चर्चा होने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, यूपी में बार बार अखिलेश यादव प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? क्या उन्हें अपने फैसले पर भी भरोसा नहीं, या फिर वो किसी के दबाव में फैसला ले रहे हैं जैसा कि रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मचे घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, एसपी बीएसपी कांग्रेस को नहीं मिल रहे प्रत्याशी, बीजेपी गठबंधन यूपी में जीतेगा 80 की 80 सीट, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा। एसपी बीएसपी कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, यूपी में 80 में से 80 सीट बीजेपी गठबंधन जीतेगा, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।
एसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में अखिलेश यादव, राम गोपाल का नाम शामिल, डिंपल यादव, जया बच्चन का भी नाम शामिल, जावेद अली, नरेश उत्तम पटेल का भी नाम, शिवपाल यादव भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन चुनाव प्रचार करेगा, इसे लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट सपा ने जारी की है और इस लिस्ट में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव का नाम है। देहरादून में बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पर बाहरी होने का आरोप लगाया है। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि गोदियाल का शपथ पत्र इसकी पुष्टि कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गोदियाल की शिक्षा, दीक्षा, बच्चे और कारोबार सब कुछ मुंबई में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गोदियाल का मुंबई में अपार्टमेंट भी है और उनकी गाड़ियों के नंबर भी मुंबई के ही हैं। रविंद्र जुगरान ने कहा कि गोदियाल दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं जबकि वो खुद बाहरी हैं, उनका सब कुछ मुंबई का है। शपथ पत्र के साथ उन्होंने खुद इसे माना है। वो व्यक्ति स्वयं अपने चुनाव के शपथ पत्र में शपथ लेके उत्तराखंड और पौड़ी लोकसभा के मतदाताओं के सम्मुख ये स्वीकार कर रहे हैं लिखित रूप में, वचन के रूप में, कि मैं, मेरी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई, मैं पला बढ़ा मुंबई का हूं, मेरा बिजनेस, व्यापार, धंधा, रोटी पानी सब मुंबई में है, मेरी पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, मेरा जो अपार्टमेंट है वो भी मुंबई में है, यानी कि मेरी गाड़ियों के नंबर तक भी मुंबई के हैं, मेरे पे दो गाड़ियां हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेश गोदियाल जी स्वयं कह रहे हैं, शपथ लेके कह रहे हैं, शपथ पत्र में कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हो, मैं हूं, ए टू जेड कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी जब कोई क्या कहते हैं एंग्जाइटी कह लूं या किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर कहना है तो थोड़ा सा ये सोच समझकर कहना चाहिए कि कहीं मैं तो शीशे के घरों में रह रहा हूं, मुझको दूसरों के पत्थर मारने का कोई अधिकार है क्या? रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।